बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ मीडिया के दोस्तों, सहाफ़ी भाइयों, कैमरामैन साथियों, अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी आमद पर आपका बेइंतहा शुक्रिया। और जो मैदान सियासत और इंतखाबात में एमकेएम की हिम्मत अमली है, उसमें अपने हम ख्याल दोस्तों और हम ख्याल जमातों के साथ हमने रफाकतों का और गुरबतों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। और इस सिलसिले में आज NA 244 जिसमें सरजानी टाउन, गुलशन मेहमान, खुदा की बस्ती, तहसर टाउन और मुख्तलिफ बोर्ड शामिल हैं, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें इंतहाई खुशी हो रही है ये ऐलान करते हुए कि जमीयत हमें ऐलान करते हुए इंतहाई खुशी हो रही है कि जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जो ताउन का और हिमायत का सिलसिला है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बाकी हलकों के साथ साथ अब NA 244 कौमी असम्बली हलका और PS 116 और PS 117 सूबाई असम्बली हलके में भी पहुंच गया। और आज और पहले फेज में मैं JUIF की तरफ से जो MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार NA 244 कौमी असम्बली डॉक्टर फारूक सत्तार और PS 116 श्री मोहम्मद राहिल भाई और PS 117 में जो विड्रॉल हो रहा है और हिमायत का ऐलान हो रहा है, तो मैं अपने इन साथियों का खैर मकदम करूँगा, खुश आमदीद कहूँगा और इनके नामों का ऐलान करूँगा। बहुत बड़ा वफ़ JUIF का ज़िला गरबी से ताल्लुक़ रखने वाला और ख़ास तौर पे NA 244 से और जो इससे मुलाकात इलाके हैं और यहाँ से तशरीफ लाए हैं, तो मैं उनके नामों का ऐलान करता हूँ उनकी इजाज़त से। मौलाना समीउल्लाह सवाती भाई JUIF PS 116 के उम्मीदवार मेरे बाएँ जाने की तशरीफ रखते हैं और ये विड्रॉ कर रहे हैं बल्कि रिटायर हो रहे हैं मोहम्मद राहिल भाई के हक में, तो मैं आपके सामने इन्हें खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ और इनके इस जैसर का खैर मकदम करता हूँ। इसी तरह कारी यूनुस कासमी, ये राहिल भाई के बाएँ जानी तशरीफ रखते हैं और ये NA 244 में मेरे हक में दस्तबरदार हो रहे हैं, विड्रॉ हो रहे हैं और रिटायर हो रहे हैं, तो मैं भाई इनके बनाने दो यार, इन्हें भी खुश आमदीद कहता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और बखैर रागले भी कहता हूँ, आपको बहुत खुश आमदीद। इसके बाद तीसरे नंबर पर यहाँ एक यूसी के चेयरमैन भी हैं, तहसील टाउन JUIF के यूसी के चेयरमैन हैं, तहसील टाउन के इलाके से यूसी नंबर 10, ये भी PS 116 के उम्मीदवार हैं, मुस्तफ़ा बदर बरकी, ये भी मोहम्मद राहिल भाई के हक में विड्रॉ हो रहे हैं, दस्तबरदार हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। मैं अच्छा PS 117 से कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन JUIF और मेरे ये जो रुकता हैं साथी हैं, इन्होंने शेख अब्दुल्ला भाई PS 117 MKM के उम्मीदवार, इनकी हिमायत का ऐलान किया है, तो मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब JUIF के सरबरा
और जो आज यहाँ तशरीफ लाए हैं वफ्द में JUIF के जिला गर्मी और NA 244 से ताल्लुक़ रखने वाले जो अहबाब हैं, तो मैं इन सब को खुश आमदीद कहता हूँ, इनका खैर मुकदम करता हूँ, GIN और बखैर रागले कहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये इंतखाबात से पहले मेरे ख्याल में ये ताबुन और हिमायत का सिलसिला, मुझे यकीन है कि एक अच्छे इंतखाबात का भी शाखसाना होगा, और मुझे उम्मीद है कि इंतखाबात के बाद जो भी कौमी असेंबली की अज़ाए तरकीबी होगी और वहाँ जो नुमाइंदा जमातें वहाँ अपने हलकों की नुमाइंदगी करेंगी, ये इस वक्त जो ताबून और हिमायत का सिलसिला है, मुझे उम्मीद है कि ये और यकीन बल्कि ये तय है कि जो हमारे दरमियान मफाहमत है ये वहाँ भी जारी और सारी रहेगी, और इंशाल्लाह एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत के क़याम, चाहे वो कौमी असम्बली हो और उससे जो वफाकी हुकूमत कायम होगी, और जो सूबाई असम्बली सिंध है यहाँ भी जो सूबाई हुकूमत कायम होगी, मुझे उम्मीद है कि एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत हम कायम करेंगे इंशाल्लाह, वफाक में भी और सूबाई सिंध में भी इंशाल्लाह, अपनी हिमायत और ताउन के इस सिलसिले को जारी रखकर और एक कौमी मफाहमत के ज़रिए से, एक वसीदर मफाहमत के ज़रिए से और एक कौमी एजेंडे पर इत्तफाक़ राय करके, जिसके बहुत सारे नुकात हमारे दरमियान पहले से तय हुए हैं और उन पर हमारा इत्तफाक़ राय है, तो मुझे उम्मीद है कि हम बहुत तेज़ी से पेशरफ करेंगे, मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत कायम करेंगे और आइंदा जो सियासी जमहूरी अमल है उसे भी फ़रोग़ हासिल होगा इस हिमायत और ताबुन के सिलसिले से, और कौमी इत्तफाक़ी राय के लिए जो कोशिशें पहली मरतबा इंतखाबात से पहले शुरू हुई हैं, जिसका बीड़ा यकीनन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो MKM पाकिस्तान के सरबराह हैं उनके सर और MKM पाकिस्तान की पूरी क़यादत, जिसने बड़ी बुर्दवारी के साथ ये महसूस किया कि इंतखाबात से पहले ये सिर्फ सीट एडजस्टमेंट के लिए नहीं है बल्कि कौमी इत्तफाक राय के लिए, ये कौमी एजेंडे पर हमें मुत्तफिक करना है पूरी कौम को, और जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जिनका एक किरदार रहा है सियासी जमहूरी अमल में पाकिस्तान की मजबूती इस्तेहकाम और बका और सलामती में, तो मुझे उम्मीद है कि जब इंतखाबात अब दो रोज़ रह गए मेरे ख्याल में इंतखाबात में, आज 5 फरवरी है, 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि JUIF के जो हज़ारों वोटर्स हैं NA 244 PS 116 में और PS 117 में, वो इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला पतंग पर मोहर लगाएंगे, MKM पाकिस्तान के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। तो मैं एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब का और उनकी पूरी टीम का जो यहाँ बैठे हैं और जो उम्मीदवार यकीनन रेस में थे, दौड़ में थे, लेकिन अपनी जो पार्टी क़यादत का फैसला है और जो उनकी पार्टी क़यादत और MKM की पार्टी क़यादत में जो एक इश्तराक़ अमल और एक ताउन और हिमायत का सिलसिला कायम हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि खुशाइन है पाकिस्तान के लिए और कराची की आइंदा जो तामीर और तरक्की है उसमें जिस तरह तमाम स्टेक होल्डर्स, हर जबान बोलने वाला, हर इलाके का पाकिस्तानी जो कराची में है, और फिर ये मुख्तलिफ जमातें जो MKM पाकिस्तान और MKM पाकिस्तान उनके साथ जिस तरह का दस्ते तआवुन बढ़ा रही है, मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि ये आइंदा की कराची की सियासत के लिए, कराची की तामीर तरक्की के लिए और मुल्क की बका सलामती के लिए ये इंतहाई खुशाइंद होगा, और ये वो बुर्दबारी है जो कि जो मुल्क जिसका तकाजा कर रहा है, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम, कराची के 3.5-4 करोड़ शहरी, मेरे ख्याल में इस अमल को देखकर उन्हें रिलीफ मिली है, और वो भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएंगे, 8 फरवरी को अपने घरों से निकलेंगे, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, मेरे भाई, मेरे बेटे और नौजवान ख़ास तौर पर, और जो बेहतरीन नुमाइंदे उम्मीदवार हैं, जो बेहतरीन बासलाहियत हैं, तजुर्बेकार हैं, जहाँ बसीरत भी है, जिद्दत भी है,
जहाँ तजुर्बा भी है, वलवला भी है, हमने भी एक मिक्स दिया है। अगर तजुर्बा यहाँ पर है तो मोहम्मद राहिल की सूरत में एक वलवला है, शेख अब्दुल्ला भाई की सूरत में एक मतानत, एक जहानत और एक सियासी तजुर्बा है, तो फिर उनके साथ भी हमने एक वलवले को ऐड किया। तो मेरे ख्याल में ये एमकेएम की जो स्ट्रेटजी है और मौलाना फजल रहमान साहब की जो सियासी बसीरत है, इसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। और आइंदा मुझे यकीन है कि इसके नतीजे में हम जो आइंदा सियासी जमहूरी अमल देखेंगे वो एक मजबूत और मुस्तहकम सियासी और जमहूरी अमल होगा, और जो हुकूमत कायम होगी और जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी उसी कौमी एजेंडे के लिए जो आप उसमें मुस्तकिल एक सियासी रवैया अख्तियार करेंगी, जमहूरी रवैया अख्तियार करेंगी, और आपस में एक मकालमा और एक डायलॉग का सिलसिला कायम होगा, ताकि जो भी मसाइल हैं उसमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी रोज़ अव्वल से एक गुफ्तगू का, बातचीत का, अफाम और तफीम का सिलसिला भी कायम रहे। आपकी आमद का एक मरतबा फिर शुक्रिया। कुछ हार तो बना नहीं, बना नहीं आपने। चले, ये तमाम जो उम्मीदवार थे, जो वफ्त के लोग थे, ये फेज़ वन ख़त्म होता है, एक छोटा सा फेज़ टू भी है इसके बाद, लेकिन मैं जे यू आई के नुमाइंदा जो समील सवाती साहब हैं, इनसे गुजारिश करूँगा कि ये यहाँ पर समा खराश कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम सहाफ़ी बरादरी का और एमकेएम पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज हम यहाँ हाजिर हुए हैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकजी अमीर हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब दामत बरकातहुम आलिया और जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सोमरो साहब की क़ियादत में, जो सिंध में ग्रैंड अलायंस के तश्कील के लिए एक तसलसल के साथ मुज़ाकराती दौर चला, उसके आप हजरात गवाह हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एमकेएम पाकिस्तान, इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, ये सारी जमातें इसमें शामिल हैं। तो आज जमीयत उलमा इस्लाम के पीएस 116 के यहाँ से मैं कैंडिडेट था जमीयत उलमा इस्लाम का, मैं खुद भी दस्तबरदार होने का ऐलान कर रहा हूँ, और मेरे साथ JUI NA 244 के उम्मीदवार जनाब कारी मोहम्मद यूनस कासमी साहब हैं। इसी तरह से जमीयत उलमा इस्लाम के हमारे आप UC 10 के चेयरमैन हैं मोहतरम जनाब मुस्तफ़ा बदर बरकी साहब। इसी तरह UC 11 के हमारे वाइस चेयरमैन हैं कारी मोहम्मद अशरफ बेंगल साहब। और इसी तरह हमारे गबोल गोट के जमीयत उलमा इस्लाम के PS 116 के सेक्रेटरी जनरल और गबोल गोट की हरदिल अजीज शख्सियत मोहम्मद शरीफ गबोल साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं। तो जमीयत उलमा इस्लाम के ये तमाम बहुत सारे दीगर जिम्मेदार भी हैं, तो मैं नाम लूँगा तो शायद वक्त मजीद लगे, लेकिन बहरहाल कराची की तामीर और तरक्की के लिए जिस तरह डॉक्टर साहब ने आपके सामने सारी गुफ्तगू रखी है, इंशाल्लाह बहुत सारे हलकों पर जमीयत उलमा इस्लाम लड़ रही है, और बहुत सारे हलकों पर एमकेएम जमीयत उलमा इस्लाम को सपोर्ट कर रही है, और बहुत सारे हलकों में जमीयत उलमा इस्लाम एमकेएम को सपोर्ट कर रही है। तो जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि सिंध की जो 15 साल बदहाली है, इस शहर की जो पिछले 15 साल से एक जिस तरह इसके शक्ल को बिगाड़ा गया, और जिस तरह आपने दो दिन तक इस शहर के अंदर जो बारिश के अंदर लोगों का हाल देखा कि जिस तरह बेयार और मददगार और बदहाली के आलम में जो है लोग अपने घरों को रात पूरी रात गए तक रोडों पर जो है वो सफर करते रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अजीज जमीयत उलमा इस्लाम ने भी इस अज़म का इजहार किया है। हमारे बल्दियात में भी नुमाइंदे हैं, और इंशाअल्लाह असेंबली और ऐवान के अंदर भी जो नुमाइंदे आएंगे वो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में कायद जमीयत हज़रत मौला फजल रहमान साहब की उस सोच की अकासी करेंगे जो वो पूरे मुल्क के लिए बेहतर समझते हैं, और जिस तरह उन्होंने जिस अंदाज में इस कौम को एक बहुत बड़ी आफत से छुटकारा दिलाया है। मैं उस फितने की बात करूंगा जो फितना इस शहर पर भी मुसल्लत रहा, जिसके इस शहर से 14 और 15 MNA थे और दर्जनों के हिसाब से उनके MPS थे, लेकिन इस शहर में पिछले 4 और 5 साल के अंदर क्या तामीर और तरक्की हुई है, ये मीडिया बखूबी इसको जानता है, और ये शहर गवाह है कि उन्होंने सिवाय ठेकेदारी सिस्टम में अपने लोगों को एडजस्ट करने के और अपने घरों को जो है बुलंद और बाला करने के और कुछ नहीं किया। तो मैं इंशाल्लाह यकीन दिलाता हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम PS 116 में और NA 244 में एमकेएम पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करेगी इंशाल्लाह। मैं आपका आपके वफ़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपकी इजाज़त से फेज़ टू
को शुरू करता हूँ। और मैं जो बाकी आज़ाद उम्मीदवार हैं या JUI समूल हक की तरफ से जो उम्मीदवार भी दस्तबरदार हो रहे हैं MQM के हक में, तो थोड़ा सा वक्त आपका और लेके मैं उनके नाम का भी ऐलान करूँ। चले भाई, ये अब रफाकतों का, गुर्बतों का, मोहब्बतों का और सियासी यकजहती और इत्तेहाद का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ कम से कम 5 और उम्मीदवार ऐसे मौजूद हैं जो NA 244 में भी और NA BS 116 और 117 में MQM पाकिस्तान के उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार हो रहे हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद अशरफ मैंगल PS 117 से PS इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। अच्छा, उसके बाद मोहम्मद अमीन PS 116 से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, है? वो भी उनके साथ ही। अच्छा, उसके बाद इरफान कुरैशी भाई, ये JUI समूल हक से हैं और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्हें खुशामदीद कहता हूँ। NA 244 और PS 117 ये दोनों से दस्तबरदार हो रहे हैं MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार डॉक्टर फारूक सत्तार और PS 117 से MQM के उम्मीदवार शेख अब्दुल्ला भाई के हक में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। उसके बाद मोहम्मद एसन PS 116 से फंक्शनल ग्रुप के हैं और वो मोहम्मद राहिल भाई के हक में दस्तबरदार हो रहे हैं। कहाँ हैं वो? माशाल्लाह जी आयनू जी और खुशामदीद और वेलकम भाई और बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, उसके बाद आखिर में खिजर हयात आज़ाद उम्मीदवार PS 116 से, वो भी मोहम्मद राहिल भाई के हक में दस्तबरदार बने। अच्छा, ये क्या हुआ, ये JUIF के साथ आए थे और उनके साथ चले गए। अच्छा, तो उनको कहते मिलान उनका उस वक्त कर देते हैं ना भैया। चले, वो एक्चुअली एक ही गाड़ी में सब आए थे और एक ही गाड़ी में चले गए, तो हमने उनके नामों का ऐलान अभी किया है लेकिन वो यहाँ मौजूद थे। तो मैं समझता हूँ कि ये जहाँ एक कौमी एजेंडे पर एक कौमी और वसीदर मफाहमत के लिए ये काम हो रहा है और इंतखाबात के बाद भी जो जीतने वाली जमातें हैं, जो हुकूमत बनाएंगी और जो जमातें अपोजिशन में जाएंगी, उनको भी एक दूसरे से करीब रखने के लिए ये अमल हो रहा है। और उसमें ज़ाहिर है कि गुज़िश्ता 4-5 साल का तजुर्बा, जैसा कि समूल हक सभापति साहब ने कहा, वो ज़ाहिर है कि नाइटमेयर था, एक डरावना ख्वाब था। बड़े बड़े दावे किए गए थे और बड़े बड़े शहरों बिलखसूस कराची को वफाकी हुकूमत ने भी नज़रअंदाज किया और सूबाई हुकूमत तो 15 सालों से सिंध के शहरी इलाकों पर कब्ज़े पर कब्ज़ा कर रही, यहाँ तक कि वो ज़बरदस्ती 5% के वोट बैंक पर अपने मेयर को कराची में मुसल्लत करने में कामयाब हो गए। सिंध के वडेरे, जागीरदार और कच्चे के डाकू। तो मेरे ख़्याल में ये फैसला जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि जो उम्मीदवार MQM पाकिस्तान के हक में बैठ रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं कि हवा का रुख बदल रहा है और उसके लिए पतंग पर मोहर लगाएंगे, कच्चे के डाकुओं को
वापस कच्चे में भेजेंगे, जुल्म और नाइंसाफी का खात्मा करेंगे। जो इस्तेसाल हुआ है पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम, सिंध के 6.5 करोड़ अवाम का, तो मैं समझता हूँ कि, और फिर जो हमारे 6 साथियों को शहीद किया गया है, तो ये जो जाबिर हैं, जो जो जालिम हैं, जिन्होंने 15 सालों तक एक बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी के ज़रिए से जो अजाब मुसलत किया है सिंध के अवाम पर बिलउमूम, और सिंध के शहरों और कराची के शहरियों पर बिलखसूस, इंशाल्लाह उससे छुटकारे और निजात के लिए भी 8 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा पतंग के निशान पर मोर लगाकर सिंध के वोटर्स, सिंध के शहरों में रहने वाले, कराची में बसने वाले NA 244, PS 116 और PS 117 में इंशाअल्लाह ताला यहाँ के MQM के उम्मीदवारों को कामयाब बनाकर वो अपना और अपने बच्चों का और मुल्क और कौम का मुस्तकबिल रोशन करेंगे। मुझे उम्मीद है जो जुमला MQM पाकिस्तान ही पाकिस्तान के मजलूमों की निजात दहिंदा है, MQM पाकिस्तान ही पाकिस्तान के और अवाम के बुनियादी मसाइल का हल है, तो पतंग पर मोहर लगाकर ये मसाइल हल भी होंगे और जालिमों से छुटकारा भी मिलेगा, मजलूमों को निजात मिलेगी, और ये बुनियादी मसाइल भी इंशाअल्लाह ताला, चाहे पानी के हों, बहरान हो, गैस और बिजली की लोड शेडिंग हो, महंगाई, बेरोज़गारी, गुरबत का खात्मा हो, और इसी तरीके से तालीम और सेहत से इंसानी वसाइल की तरक्की से जो जुड़े हुए मसाइल हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला अब हल होंगे। मुझे उम्मीद है, मैं आपको एक मरतबा फिर जो मौलाना समीर हक साहब से JUI के साथी हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, फंक्शनल के जो लोग शामिल हुए और जो आज़ाद उम्मीदवार शामिल हुए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो JUIS के जो नुमाइंदा यहाँ बैठे हैं वो भी, मुझे यकीन है कि इस मौके पर कोई बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्लि व नसल्लम अला रसूलिल उम्मी अमीन अल करीम, अम्मा बाद। आज हम यहाँ NA 244 में हमारे भाई डॉक्टर फारूक सत्तार की हिमायत के लिए आए हैं। हमारी तरफ से जो उम्मीदवार थे इरफान कुरैशी साहब, वो इनके हक में दस्तबरदार हो रहे हैं, और इसके साथ साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हम तमाम MQM के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान करते हैं। और ये हिमायत और ये हमारा ताल्लुक पुराना है, आज का नहीं है, जमीयत सिंध का ताल्लुक MQM से बहुत पुराना है, और ये ताल्लुक इंशाल्लाह कायम रहेगा, और इंशाल्लाह इस कराची को बनाने के लिए, इसकी तामीर और तरक्की के लिए हम साथ हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको इस कराची के तामीर और तरक्की में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। कोई सवाल अगर गुंजाइश है तो ले लें। सालों की जो गुज़िश्ता बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी है, कच्चे के डाकुओं ने जिस तरह अपने कमियों, किसानों, हारियों, जमींदारों को अपना ज़ाती गुलाम बना के अपनी जागीरों, अपनी औताकों और अपने इस्तबलों में जो घोड़े जहाँ पर उनके रहते हैं उनकी देखभाल और निगरानी के ऊपर मामूर किया हुआ,
अपना गुलाम बनाया हुआ है, और उसके साथ साथ उनके अजायम इतने बढ़ गए, उनकी अमलाक जायदाद इस कदर उसके अंबार लग गए, दौलत की रेल पेल आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। दुबई की रियल इस्टेट में बूम सिंध की करप्शन से छुड़ा हुआ है। तो अगर ये सारी बातों को ले तो 4000 मोहरे हैदराबाद में बनवाना, अगर 4000 मोहरे हैदराबाद में कहीं बन रही थी इन वडेरों जागीरदारों की तरफ से, जिसे एमके पाकिस्तान कौमी असेंबली के हैदराबाद के उम्मीदवार मोहम्मद वसीम भाई ने, वसीम हुसैन भाई ने छापा मार कर उसे बरामद किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को साथ ले जाकर बताया कि देखें ये क्या हो रहा है इस शहर में। अगर 4000 मोहरे हैं तो वो बैलेट बुके जो 100-100 की थप्पियाँ होती हैं वो पता नहीं कितनी कहाँ कहाँ से अल्लाह ना करे निकल गई, और वो पहले से कहीं बैलेट बक्स के अंदर मुंतकिल ना हो जाए। तीन साने है या वाकये का नोटिस में इस बदतरीन जो ये प्री पोल रिगिंग है, ये प्री पोल रिगिंग है, ये खबरस इंतखाब धांधली है, जो इंतखाबात वाले दिन तैयारी है बैलेट पेपर पर पहले से मोहरे लगा कर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के तीर के निशान पर, ये चोरी और डकैती दिन दहाड़े पकड़ी गई है। इसका नोटिस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी लें, इसका नोटिस रियासती इदारे लें, कानून नाफिस करने वाले इदारे लें, और जो केयरटेकर हुकूमतें हैं निगरान हुकूमतें उन्हें भी लेना चाहिए। तो जाहिर है कि ये पहला हमला है साफ शफाफ मुनसिफाना गैर तालीम दाराना इलेक्शन के इनाकाद में, तो ये जाहिर एक बहुत बड़ा सवाल है, हमारी तशवीश है। और ये तो चीज़ें पकड़ी गई, और जो चीज़ें नहीं पकड़ी गई अंदर ही अंदर 15 सालों से जो अफसर जिन्हें पाला गया पोसा गया, हम ख्याल लोगों में बहाल हो रहा है, जो वोटर्स में कायम हो रहा है। 21 जनवरी का जलसा खुद इस बात का खमाज है कि एमकेएम अपने पैरों पे अब खड़ी हो गई है, चलने लगी है, रनवे पर आ रही है, और अगर कोई जहाज़ मिला ना मिला हम खुद इंशाल्लाह ताला अपने परों से जो है वो उड़ेंगे और पतंग को जो है वो आसमान की बुलंदियों पर ले जाएंगे। फारूक भाई ये बता दीजिएगा कि कुछ हिमायत याफ्ता कुछ उम्मीद आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत याफ्ता भी कुछ आज़ाद उम्मीदवार मैदान में आ गए, क्या समझते हैं कि क्या एमकेएम का वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा या फिर वही तकसीम दर तकसीम करने की साजिश की जा रही है? पहले आप लोगों को तकसीम किया गया और अब शायद वोट बैंक को तकसीम करने के बाद मामला हो रहा है, कुछ क्या कहेंगे इस पर? मेरे ख्याल में एमकेएम पाकिस्तान का जो रिवायती तारीखी वोट बैंक जो कि मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजरा, और 11 जनवरी 2023 जब डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी भाई, मुस्तफा कमाल भाई और डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने इस बात को महसूस कर लिया और इस रियलिटी और हकीकत के साथ रिकनसाइल कर लिया और इस हकीकत को दिल से कबूल कर लिया कि यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, तो 11 जनवरी 2023 से जो सफ़र शुरू हुआ है वो आज 5 फरवरी पर अगर उसका जायज़ा लें तो एमकेएम का तारीखी वोट बैंक, रिवायती वोट बैंक सारी आजमाइशों से गुजरने के बाद पूरी तरह से यकजा होकर मुत्तहिद होकर मुनज़्ज़म होकर मुतहर्रिक होकर 21 जनवरी के एक तारीखी जलसे के सबूत के साथ आज जहां पर खड़ा है, तो 8 फरवरी में ये इंटैक्ट होगा और सिर्फ जो एमकेएम का तारीखी और रिवायती सियासी वोट बैंक है वो, और उसमें अब मुख्तलिफ बंगाली बरदरी मेरे पख्तून भाई पंजाबी सिंधी बलोच सराई की हज़ारेवाल कश्मीरी गिलगिती बिल्टी और यहाँ तक के JUIF JUI समूलक आज़ाद उम्मीदवार जो एक बड़ी तादाद में मुख्तलिफ बरदरियाँ जो एमकेएम के साथ खड़ी मुख्तलिफ हल्कों में जो प्रोग्राम हो रहे हैं, बहुत सारी कॉर्नर मीटिंग है, छोटे बड़े जलसे मुख्तलिफ बरदरियाँ खुद करा रही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुरैशी भी हैं, आरई भी हैं, अब्बासी हैं, मियो बरदरी है, राजपूत बरदरी है, राव है और मलिक है, तो ये और फिर उसके बाद जो मीमन और गुजराती बरदरी है, इस्माइली है, बोरा कम्युनिटी है, आप अगर देखें तो उन सब
का जो रुझान है ये एक कामयाब इंतखाबी मुहिम में आपको वो फ्लेवर आ जाता है, वो टेस्ट आ जाता है और आपको पता चलता है कि ये सब चाहते हैं कि कराची का मैंडेट अब स्प्लिट नहीं होना चाहिए, अब कराची में तकसीम नहीं होनी चाहिए। सिंध के शहरों की तकसीम ने 15 सालों में सिंध के शहरों कराची के ऊपर जो कब्जा और कराची को कॉलोनी बनाया और 5% के वोट पर जिस तरह बडेरे जागीरदार और कच्चे के डाकुओं ने 5% के वोट बैंक पर अपना मेयर बिठा दिया, असल में तो ये मेयर जो है परेशान है। मुर्तजा वहाब की कुर्सी हिल गई है हमारी ये कामयाबियों पर कामयाबी कि अगर MQM एक बड़ी वाहिद और अक्सरियती नुमाइंदा जमात के तौर पर 8 फरवरी में अरे तुम्हारी ही सरबरा थी ना जो शहीद हुई जमहूरियत के लिए, उसी ने तो कहा था कि द बेस्ट रिवेंज इज डेमोक्रेसी, तो बेटा अब उसके वारिस हम हैं। उस दावे के जो मोहतरमा का है कि हमारे 6 शोदा हैं तुम्हारी इश्ताल अंगेजियों शरंगेजियों के बावजूद हमने तुम्हारे जो तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं दिया, हमने पुरमन रह के अपनी इंतखाबी मुहिम को पुरमन सियासत के साथ जारी रखा और अब हम कहते हैं उन 6 शोधा का बदला द बेस्ट रिवेंज इज डेमोक्रेसी। तुमने बैलेट पर इनसार किया, बुलेट पर इनसार किया, हमने बैलेट पर इनसार किया और 8 फरवरी को बैलेट बोलेगा, चाहे कहीं से भी और आजाद उम्मीदवार भी आ जाएं, वो भी इंशाअल्लाह ताला मुंह की खाएंगे और वो भी देखेंगे कि अब ये तकसीम के फार्मूले नहीं चलेंगे, लोग उनके साथ खड़े होंगे जो दिलों को जोड़ रहे हैं, जो लोगों को जोड़ रहे हैं। चंद मिलीमीटर बारिश हुई, 4 अफराद इसमें जाबांग हो गए, इससे कबल 2023 में 50 से ज्यादा बच्चे गटर में गिरकर गटर के डॉक्टर नहीं थे। मुर्तजा वहाब साहब कहते हैं कि MQM दहशत की सियासत करने जा रही है, हमने इसका खात्मा कर दिया है, क्या कहेंगे? कर ली ना बात, नाम लिए बगैर कर ली। देखें मेरे ख्याल में इलेक्शन का मौका है ना, अब मेरे ख्याल में इतना मंजर क्लियर हो गया है, बादल छट गए हैं और ये बारिशें वैसे रहमत होती हैं लेकिन कराची में ये जहमत का बाइस बनती रही है, लेकिन कराची वालों के जहन में कहीं अगर कोई अभाव रह गया था तो 2 साल मुर्तजा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर रहे भाई और 1 साल से मेयर हैं। अब MQM के ऊपर जो उसका तासुर कायम किया गया था और तशद्दुद कहीं पर भी हो कोई भी करे, MQM माजी में भी उसका शिकार होती रही और आज भी तशद्दुद का शिकार है, लेकिन चले अगर आपका ये इल्ज़ाम एक तासुर भी है तो आज किसने दहशतगर्दी की भाई? ये जो 6 शहीद हुए, मेरे 3 बंगाली भाई 1 पख्तून और 2 महाजर, ये किसने शहीद किए? मेरे कैंपों पर, मेरे दफातर पर, इलेक्शन ऑफिस पर घात लगाकर हमला एम्बुश किया गया, इन 6 साथियों को शहीद किसने किया? और वीडियो अवेलेबल है, कातिल की शनाख्त है। आज कातिल अगर नहीं गिरफ्तार हो रहा तो बेटा 8 फरवरी के बाद तू भी दुबई की फ्लाइट ले ले अगर लेनी है तो, वरना तू ना बचेगा। वो कातिल पकड़ा जाएगा जो आलायकार बना है किसी डॉक्टर का, जो आलायकार बना है किसी लूटमार करने वाले गैंग के सरबरा का, तो इंशाल्लाह सबकी गलाई खुलेगी। और आज तक तुमने मौज मजे किए अपनी मर्जी के वो ट्रांसफर पोस्टिंग करके, लेकिन ये 8 फरवरी के बाद ये सारे अलल्ले तलल्ले तुम्हारे इंशाल्लाह खत्म हो गए। और 8 ये जो बारिश थी गुज़िश्ता जो रोज हुई बारिश, उसने मेरे ख्याल में और मंजर को जो धुंधला था, थोड़ी बहुत फॉग रह गई थी सियासत में, उस फॉग को भी क्लियर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह।